उसके लायक थी ही नहीं। तुमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया था पलक? इसने सपोर्ट किया, सब कुछ किया तुम्हारे लिए, लेकिन तुम इस लायक नहीं थी पलक। वो तो आपसे मोहब्बत के इतने दावे करता था, इतनी जल्दी बदल गया, भूल गया अपने सारे वादे। लोग ऐसे ही होते हैं, खुदगर्ज और एहसान फरामोश। मैंने तुम्हें क्या इस दिन के लिए पाल पोस के इतना जवान किया था कि तुम ऐसी लड़की को मेरे घर में ले आओ? पलक मेरी बीवी है मामा, अगर आप चाहती हैं मैं इस घर में रहूं तो ये भी यहीं रहेगी। ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। हमजा मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ कि तुम अभी के अभी इस लड़की को तलाक दो। तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना करें। ये अगर ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर को कॉल करूँ? ठीक हूँ। देखो फलक, तुम्हें इस बात का अंदाजा तो था ना कि मामा का क्या रिएक्शन आया। तुम्हारी शादी से खुश तो नहीं है, हमारे निकाह को इतनी जल्दी कबूल नहीं करेंगे। अंदाजा तो था मगर ही नहीं पता था कि इतना सख्त रवैया होगा उनका। ठीक है, डांटती, गुस्सा करती, नाराज हो जाती, मैं सब सह लेती, मगर यूं घर से निकालने की धमकी? हमने निकाह किया है हमजा, कोई गुनाह नहीं किया है। फलक, I'm really sorry, मामा के रवैये के लिए। उनका लहजा बहुत सख्त, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन देखो, फैक्ट तो ये है कि तुम्हें कुछ अरसे तक उनकी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, उनके सख्त रवैये पर इग्नोर करना पड़ेगा। और मुझे पूरा यकीन है कि तुमने जिस तरह मेरी ज़िंदगी में अपनी जगह बनाई है, तुम उसी तरह बच्चे और मामा की ज़िंदगी में भी अपनी जगह बना लो। हाँ, लेकिन मैं डर गई हूँ हमजा, उनका ऐसा रवैया देख के खौफज़दा हो गई मैं। मुझे तो ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है, कैसे करूंगी मैं? वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। अभी वो हम पे गुस्सा है, इसलिए इस तरह बिहेव कर रही। तुम देख लो, कुछ दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि कमरा डेकोरेट करने का ख्याल ही नहीं आया। कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरी जिंदगी में शामिल हो गए, बाकी हर चीज बेमानी है। मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा बन गई हूँ, यही काफी है। थैंक यू। मैं इस लड़की को ना अपने घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मामला ऐसे हल नहीं होगा मामा। हमजा की आंखों में आपने बगावत नहीं देखी? ये सब इस लड़की की वजह से है, इसी ने मेरे हमजा के जहन में ना जहर घोला है। वरना हमजा ऐसी बात करता मुझसे? कभी नहीं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर हमजा ने इससे तलाक नहीं दी ना, तो मैं हमजा को भी घर से निकाल दूंगी, दोनों को घर से निकाल दूंगी खड़े खड़े। I don't care, they can go where they like, I don't give a damn, लेकिन ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। No mama, कैसी बातें कर रही हैं आप? एक लड़की के लिए अपने इकलौते बेटे को घर से निकाल रही हैं? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इस मामले को किसी और तरीके से हैंडल करना होगा। क्या कर? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, दिल चाहता कि अभी जाके ना उस लड़की का गला घोंट दूं मैं। पता नहीं क्या घोल के मेरे बेटे को पिला दिया उसने। एक बच्चा,
पूरी जिंदगी फर्मा बरदार रहा है, हर बात सुनी उसने मेरी। आज उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला, इतना बड़ा कदम उठाया है, बिना पूछे बिना बताए, मेरे बगैर, यानी कि माँ को कोई ना इज्जत दी ना इम्पोर्टेंस दिया, इट्स जस्ट अनइमेजिनेबल। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मामा यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। आप हौसला रखें, सब ठीक है। सब कुछ अभी तक संभाल के रखा था। ये चीजें मेरे लिए बहुत कीमती थी। ये मुझे हमेशा तुम्हारे याद दिलाती थी। ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये चीजें मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए कितनी गहरी है। चाहती थी हासिल कर लिया। मैंने कहा था ना, हार नहीं मानूंगी मैं। निकाह कर लिया है हमने। इकलौती बहन है आप में, सोचा आपको बता दूं। मैं बार एक बार नहीं देंगे। बात तो एक ही है ना, आपको क्या लगता है हमजा ने उन्हें कुछ नहीं बताया होगा? मम्मा मैं 100% श्योर हूँ, सोफिया आंटी और उनकी बेटी को सब कुछ पता था। पर बात तो वही है ना, अपने बेटे में उनको ऐप कैसे नजर आएगा, अपने बेटे को कैसे गलत कहेंगी वो। इसीलिए तो आपके पास आ गई कि आपसे बात करेंगी, आप तो हर चीज मान लेंगी, हर चीज पे एग्री हो जाएंगी। एक महीने बाद हमारी शादी है, फिर भी रिजाइन तो करना ही था, आज कर दो क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी शादी के बाद मैं जॉब करने की परमिशन नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जॉब करनी है तो मेरा ऑफिस ज्वाइन करो। भाई मैंने तो हमजा जैसा अनापरस्त और खुदगर्ज इंसान तो कभी देखा ही नहीं। पता है नवाल अब, ये सारे मर्द ना एक जैसे ही होते हैं, औरत को इतना कमजोर और कठपुतली समझने लगते हैं। मैं आपकी जगह होती ना तो साफ इनकार कर देती। और आप परेशान ना हो, आप अकेली नहीं है, मैं हूँ, मम्मा आपके साथ हैं। तुम्हें फैसला करना है। हमारी शादी सिर्फ उसी सूरत में होगी जब तुम जॉब से रिजाइन करोगे। अगर तुमने जॉब से रिजाइन नहीं किया तो मैं शादी नहीं करूंगा। रुको, ये यहां नहीं बैठ सकती।
इसका खाना इसके कमरे में भेजू। फिर क्या कह रही है? अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। फलक बीवी है मेरी, इस घर का हिस्सा है, और ये हमारे साथ यहीं पे बैठेगी। तुम्हारी बीवी शायद है, लेकिन इस खानदान और इस घर का हिस्सा नहीं है। अगर तुम इसे साफ साफ ही समझा दो तो बेहतर होगा, और अगर मेरे सामने ना ही आए तो बेहतर है ना? क्या सोच रहा है? पागल हो रहा है? कुछ देर के लिए ना इनके सख्त रवैये को बिल्कुल इग्नोर करो। समझती हूँ हम सब, लेकिन मैं भी इंसान, हर्ट होती हूँ मैं उनके इस रवैये से। कसूर क्या है मेरा? और उन्हें जाकर समझाएं, हमने निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया है। इस चीज का हक तो शरीयत भी हमें देती है कि हम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तुम रो मत, इधर देखो भाई, इधर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ वक्त लगेगा लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके यस सर, इस फाइल पर मिस नवाल के साइन चाहिए थे। मैं उन्हें कॉल कर रही हूँ लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। मैं क्या करूँ? आप यहाँ रख दें, मैं देख लूँगा। थैंक यू। अबीर, मेरे दोस्त, तुमने कुछ सुना? क्या? हमजा ने निकाह कर लिया, और वो भी तुम्हारी एक्स वाइफ फलक के साथ। तुम्हें किसने बताया? भाई पूरी सोसाइटी को बता, एक तुम ही हो जो बेखबर बैठे हुए हो। खैर, वो दोनों क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छी बात है भाई। अच्छा ये बताओ कि यासिर के साथ मीटिंग है आज, कब निकलना है? हाँ, क्या ये पॉसिबल है कि मीटिंग तुम खुद जाके कर लो? एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं सोच रहा था थोड़ी देर घर चला जाऊँ, रेस्ट कर लूँ, यू नो। ओके, नो वरीज, तुम घर जाके आराम करो, फिर जो भी होगा मैं तुम्हें अपडेट कर दूँगा। थैंक यू, ठीक है, सी यू। फलक चलो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। हमजा, मुझे कुछ नहीं खाना, आप खा लें।
क्यों नहीं खाना, इसी तरह भूखी बैठी रहोगी। चलो लेट्स गो, आओ मेरे साथ, आओ ना। हमजा आपने देखा नहीं सुबह आंटी ने क्या किया, अगर अब आपके साथ चलेगी तो और डांटेंगी। शादी के बाद पहला नाश्ता था हमारा, कितनी बातें सुनाया उन्होंने, चुप ही कर लेती, मेरी खुशी का नाश ही अपने बेटे की खुशी का ख्याल कर लेती। मैं तुमसे पहले भी कहा ना, कुछ वक्त लगेगा फिर सब ठीक हो जाए। और अगर उस वक्त तक आपको मुझसे अलग कर दिया गया तो अपने घर वालों के प्रेशर में आके अगर आपने मुझे डिवोर्स कर दिया तो एक बार फिर से। किसी बातें कर रही हो, तुम ऐसा सोच ही क्यों रही हो, ये सोच तुम्हारे दिमाग में आती क्यों है, निकाल दो ऐसी सोचों को। हमजा मैं जिंदगी के बहुत मुश्किल मरहले से गुजर रही थी जब आप मेरी जिंदगी में आए, और आपके इसी हौसले की वजह से मैं संभल सकी हूँ। अल्लाह ना करे आप कभी मुझसे दूर हो, मगर इन सब के प्रेशर में अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी। तुम कैसी बातें कर रही, मैं कहीं नहीं जा रहा तुम्हें छोड़ के, मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूंगा, आई प्रॉमिस। मम्मा बहुत याद आ रही है मुझे, अगर वो मेरे साथ होती मेरे साथ ऐसा कभी भी ना होता। और नई नवेली दुल्हन का ऐसे इस्तकबाल होता है, नई दुल्हन को तो सब कितनी मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, और यहाँ आते ही घर से निकालने की धमकी मिल गई और सुबह नाश्ते पे इतनी जलालत। आई नो। अच्छा मैं काम करती, हम लोग बाहर खाना खाने चलते, सही तुम और मैं? नहीं हमजा मैं आपसे कह रही हूँ ना, अभी नहीं, इतनी बातें सुनने के बाद भूख भी नहीं है। देखो मैं इनकार नहीं सुनूंगा, तुम 10 मिनट में रेडी हो जाओ, बल्कि रेडी होने की जरूरत है, तुम्हारा ड्रेस बहुत अच्छा है, ठीक है? फिर शुक्रिया। कबीर साहब आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? ठीक हूँ, आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ। नवाल भी है घर पे? जी है, वो अपने कमरे में, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप अंदर आए, मैं उनको बुलाती हूँ। अरे अब यहाँ बैठ जाए, मैं बुला के लाती हूँ। थैंक यू। नवाल दीदी, कबीर साहब आए। नवाल दीदी, नवाल बीबी, नवाल बीबी, नवाल बीबी, नवाल बीबी, ये क्या हो गया? कबीर साहब, कबीर साहब, क्या हुआ? नवाल बीबी बेहोश हुई मीर। बेहोश है कहाँ पे? अपने रूम में। आ जाए सर। नवाल, नवाल, मुझे तो बहुत तेज बुखार है, आप पानी लेकर आइए, मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। डॉक्टर अब कैसे तबीयत है उनकी? पहले से बेहतर है, बुखार और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। अब होश आ गया उन्हें? जी जी होश तो आ गया है, बस रूम में शिफ्ट करें फिर आप मिल सकते हैं। ओके थैंक यू। हेलो,
नवीन बेटा आप अपने रूम में जाओ। आप हमजा मामू की ब्राइड है ना? बिल्कुल। नवीन बेटा शाबाश अपने रूम में जाया। मैंने सोचा आप तो मेरे पास आएंगी नहीं तो मैं आपके पास चली जाती हूँ। आखिर किसी को तो ये फासले खत्म करने ही है ना, तो मैंने सोचा कि दो कदम मैं ही बढ़ा लेती हूँ। पता है कुछ अरसा पहले मेरी आलिया से बात हुई थी, उसने बहुत कुछ बताया था तुम्हारे बारे में। पहले तो मुझे सुन के बहुत हैरानी हुई, यकीन नहीं आया था, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आलिया झूठ नहीं बोल सकती। उसने मुझे बताया था कि तुमने कैसे कबीर को अपने जाल में फंसाया था और कैसे उसको शीशे में उतार लिया था और किस तरह उसकी फैमिली के साथ तुमने मुश्किलें पैदा करने की कोशिश की थी और कितने मसले पैदा किए थे उनके लिए। वो तो कबीर समझदार था जो तुम्हारी बातों में नहीं आया। अब तुम यहां भी वही कुछ करोगी? आखिर इंसान अपनी फितरत से बाज तो नहीं आता। अभी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर आप मुझे डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो मुझसे भी इज्जत की तवक्को मत रखिएगा। और शायद आलिया भाभी ने आपको और भी बहुत कुछ नहीं बताया जो मैं कर सकती हूँ। देखो फलक, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, हमजा से निकाह करके तुम इस घर में तो आ गई हो लेकिन तुम्हारी यहाँ कोई जान कामयाब नहीं होगी। शादी की खुशी में पार्टी तब देता है इंसान जब घर वाले रजामंद हो। तुमने तो छुप छुप के उस लड़की से निकाह किया है। वो तो पहले ही शादी से राजी नहीं थे, बल्कि वो तो चाहती हैं किसी तरह ये शादी खत्म हो जाए और वो आपकी शादी नवाल आप ही से करवा दे। आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप मुझे हॉस्पिटल लाए। एक्चुअली दिन भर आपको कॉल करता रहा, आपने मेरी कॉल ही रिसीव नहीं की। एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे आपके साइन चाहिए थे तो सोचा कि खुद चलकर मालूम कर लूं। वैसे अच्छा ही किया मैं आ गया। आई एम सॉरी, मैंने बहुत परेशान किया है आपको। नवाल प्लीज डोंट बी फॉर्मल, आपने बिल्कुल परेशान नहीं किया। इनफैक्ट मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आपके किसी काम आ सकूं। लेकिन एक गिला है आपसे, आपकी तबीयत इतनी खराब थी आपने मुझे बताया नहीं, कॉल तक नहीं की। मैं समझती थी कि मैं बहुत सख्त जान हूं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगी, मैं देखे ऐसा ही निकलना बच गई। एक बात कहूं आपसे, जो शख्स इतनी मोहब्बत, इतने खलूस, इतने एतबार के बाद भी आपका नहीं हुआ ना, यकीन करें वो किसी का नहीं हो सकता। फिर चाहे वो फलक हो या हमजा हो, ये दोनों ही खुदगर्ज और बेहिस हैं। इन दोनों ने बहुत लोगों के दिल दुखाए, ये दोनों भी खुश नहीं रहेंगे। अब देखिएगा, वक्त फैसला करेगा, और जब वक्त फैसला करता है ना तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। एक्सक्यूज मी, हाँ ये इनके दायित्व में है ना, बहुत कमजोर हो गई हैं, प्लीज जरा इसको फॉलो कीजिए। थैंक यू डॉक्टर। कबीर मैं आपका बहुत वक्त ज़ाया कर चुकी हूँ, आप घर चले जाएं, इल्हाम अकेली होगी, आपको उसका ख्याल भी रखना होगा। कम ऑन डोंट बी फॉर्मल, अगर मैं चला जाऊंगा तो आपके पास कौन रहेगा? मैं मुलाजमा को बुला लूंगी, वो रुक जाएगी मेरे साथ। नहीं रहने दें, आप उसे परेशान मत करें, मैं आपके पास रुक जाऊंगा। और
इल्हाम के पास नैनी है, मेरी बात हो गई है, इल्हाम दूध पी के सो गई है। लेकिन कबीर, मैं आपको पहले ही बहुत परेशान कर चुकी हूँ। हाल कोई परेशानी नहीं है, इनफैक्ट ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। रिलैक्स। हमजा, फिर क्या सोचा है आपने? किस बारे में? हमारी शादी के रिसेप्शन के बारे में। मैं चाहती हूँ कि आप पब्लिकली अनाउंस कर दें हमारी शादी, और इसी खुशी में ना एक बहुत अच्छा बड़ा सा रिसेप्शन रखें, ताकि सबको हमारी शादी का पता चल जाए। वलीमा तो मैं करूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी बहुत काम है, वक्त नहीं है मेरे पास। इस बारे में बाद में सोचूंगा। मुझे बताना तो पड़ेगा ही ना। मैं जानती हूँ जिन हालात में हमारी शादी हुई, हम किसी को बता नहीं सके, किसी को इनवाइट नहीं कर सके, तो अच्छा मौका है ना, सबको बताएंगे, सबको इनवाइट करेंगे। और आपको पता है, हमारी शादी पर ना मैं शहर का सबसे अच्छा और बड़ा फोटोग्राफर बुलाऊंगी, जो हमारी बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स बनाएगा, ताकि मैं कबीर और नवाल आपी को दिखा सकूं कि हम दोनों कितने खुश हैं। मैंने तुमसे कितनी दफा कहा कि इन दोनों का नाम मेरे सामने मत लिया करो। अच्छा, आई एम सॉरी, आइंदा नहीं करूंगी ऐसा। मगर फिर भी मैं चाहती हूँ कि हम दोनों को एहसास हो कि उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और स्पेशली नवाल, अब उनको भी तो अंदाज़ा होना चाहिए कि आपकी शक्ल में गवाया क्या है उन्होंने। प्लीज़ प्लीज़ हमजा, इनकार मत कीजिएगा, मेरी बात मान लें प्लीज़। वैसे भी हमारी शादी वाले दिन नवाल अभी ने कहा था कि मैं कभी खुश नहीं रहूँगी, मगर मैं उन लोगों को दिखाना चाहती कि मैं कितनी खुश हूँ और आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ठीक, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं मना नहीं करता। मैं जानती थी आप मुझे कभी इनकार कर ही नहीं सकते। थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात का मान रखा। मैं चेंज करके आती हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आया, खबर सुनकर मुझे इतना शॉक लगा है कि बस मैं बहुत हैरान हूँ। अनबिलीवेबल, हमजा ने नवाल को छोड़ दिया, वो भी फलक जैसी लड़की के लिए। माय गॉड, फलक को तो देखो, अपनी ही बहन का घर खराब कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया। भाभी, आप उसकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ तो हैं, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ अपना मुफाद अजीज है, और अपने मुफाद के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी हद तक भी जा सकती है, इवन किसी को कुर्बान भी कर सकती। हाँ, लेकिन हमजा, फलक तो चलो है ही ऐसी, हमजा भी इतनी बेवकूफी करेगा? भाभी, बदगुमानी की पट्टी आंखों पर बंधी हो तो इंसान वैसे ही अंधा हो जाता है। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो, बदगुमानी एक ऐसा मर्ज है जो हर खूबसूरत रिश्ते को बिखा जाता है। ये बताओ, नवाल कैसे हैं आप? बहुत डिप्रेस्ड है। कबीर, तुम ना उसे समझाओ कि बेकदरे लोग अगर जिंदगी से चले जाए ना, तो शुक्र अदा करना चाहिए। हमारे समझाने की जरूरत ही नहीं है, अभी चोट इतनी गहरी खाई है कि खुद ही अकल आ ही जाएगी उसको। अच्छा, ये लोग तो किस से बात करूं? कबीर, चलिए आओ। Thank you.
पापा कह रहे थे कि फलक के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, वो अल्लाह के पास चले गए। जी बेटा, और इसीलिए फलक अब हमारे साथ रहेगी। आप इसे अपने रूम में रखेंगी ना? फलक बहुत नॉइज़ करती है, मैं इसे अपने कमरे में नहीं रखूंगी। अगर फलक हमारे साथ नहीं रहेगी तो इसे ऑर्फन हाउस जाना पड़ेगा। और आपको तो हमेशा से यंगर सिस्टर चाहिए थी ना, फिर आपको छोटी बहन मिल जाएगी हमेशा के लिए। सुल्ताना, तुम पागल तो नहीं हो गई? नौकरानी की बेटी के लिए इतने परेशान हो रही हो, और तुमने उसे गाड़ी दे रखी है। वो नौकरानी की बेटी नहीं है, वो मेरी बेटी है। आपका ऐसे कहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। किसी को पालना अलग बात है और बेटी बना लेना अलग। मैंने उसे पाला है, इसीलिए मैं उसे अपनी बेटी ही समझती हूँ। तुम्हारी समझने से क्या होता है? हकीकत को जुटला तो नहीं सकते ना, अपना खून तो अपना ही होता है। नवाल बीबी, हाँ ठीक है आप? हाँ, पहले से बेहतर। सूप लाई हूँ आपके लिए, रख तो बाद में पी लो। मैं जानती हूँ आपने पीना नहीं है, जरा सा भी आप अपना ख्याल नहीं रख रही है। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब होगी। क्यों फिक्र कर रही हो, मैं ठीक हूँ। एक बात कहूँ बीबी जी, जो भी दुख हो ना उसके ऊपर एक बार रोना नहीं चाहिए, सुकून मिल जाता है। हमसे साहब तो आपके मंगेतर थे। हमारे गांव में ना एक लड़का था, उसने अपनी बीवी को ना तलाक देके उसकी बहन के साथ शादी कर ली थी। उस लड़की ने जरा सा भी नहीं सोचा कि अपनी बहन का घर खराब कर रही है। और देखे, फलक बीवी जैसी एहसान फरामोश लड़की मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। आप और बेगम साहिबा ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने खुद से ज़्यादा उसका ख्याल रखा। और उन्होंने देखे क्या किया आपके साथ। हमसे गलती हो गई, लोगों को पहचान ले। अल्लाह देख रहे हैं ना, आप बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह आपके सबर का पल मिलेगा जरूर आपको। चले ये सूप पीने, रख दो, मैं दिल करेगा तो पी लूंगी। जरूर पिएगा आपकी, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। और लेकिन चीज में ना कोई रद्दो बदल नहीं होनी चाहिए, और बाकी कलर्स और थीम्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर मुझे कुछ ऐड ऑन करना हुआ तो आई लेट यू नो। ओके, गुड। किससे बात कर रहे थे? वो मैं शादी की खुशी में एक ग्रैंड वलीमा डिनर देना चाह रहा हूँ, उसी के सिलसिले में। हैव यू गॉन मैड? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें अंदाजा है लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं हमारे बारे में, कितनी बेइज्जती हो रही है हमारी? ममा प्लीज, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों का काम है बात करना, और वो करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथों में दे दूं। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तो फर्क पड़ता है, तुम्हारी बहन को तो फर्क पड़ता है। इतने बेवकूफ और कम अकल निकलोगे मुझे अंदाजा नहीं था। शादी की खुशी में पार्टी तब देता है इंसान जब घर वाले रजामंद हो। तुमने तो छुप छुप के उस लड़की से निकाह किया है। मामा प्लीज, आपको फलक के बारे में इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। आपकी बहुत इज्जत करती है, अगर आप उसे वो मकाम नहीं दे सकती जो वो डिजर्व करती है तो मत दे, लेकिन मैं आपको इस तरह उसकी बेइज्जती नहीं करने दूं। बेटा, मुझे उसकी बेइज्जती करने की कोई जरूरत नहीं है। जो लड़की छुप के ना निकाह पढ़वा के किसी घर में आ जाती है उसकी बेइज्जती खुद ही हो जाती है। अरे कुछ तो शर्म करो, और अगर तुम्हें शर्म नहीं आ रही उसे आनी चाहिए। बहन के मंगेतर से शादी करके आ गई इस घर में, प्लीज फॉर गॉड सेक्स। मामा बिल्कुल ठीक कह रही है हमसा, क्या जरूरत है वलीमा करने की? और अगर तुम्हें इतना ही शौक हो रहा है ना वलीमा करने का, तो दो चार दोस्तों को बुलाकर डिनर करवा दो, बस इतना काफी है। जस्ट कॉल द इवेंट मैनेजर, कैंसिल एवरीथिंग। नाक कट गई है हमारी, और मैं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई पार्टी शार्टी नहीं होगी इस घर में, दैट्स इट।
हाँ जकिया। अरे कबीर आप? बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा इससे आपसे मिलवा दूँ। बहुत अच्छा किया, वैसे भी मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था। तो कॉल कर देते हैं आप, मैं ले आते इसे मिलवाने के लिए। हीर में पहले ही आपको बहुत तंग कर चुकी हूँ, इसलिए नहीं की। इट्स ओके, कम ऑन। कैसी तबीयत है आपकी? अब ये आ गई है ना, मैं ठीक हो जाऊँ। आपके लिए फीडर बनाए ना, चले आ जाए मैं इसके फीडर बना। Let's go home. So upset. जिस एनजीओ की मीटिंग में गई थी ना, वहां पे सब हमजा के निकाह की बात कर रहे थे। फलक का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा हुआ था, तो हैरान थे कि हमजा ऐसी लड़की से शादी कर सकता है। I was so embarrassed. मैं तो नजरें नहीं मिला सक रही थी सबसे। इस लड़के ने कहीं का नहीं छोड़ा हमें। I don't know what he's doing. मामा, आपको शर्मिंदा होने की क्या जरूरत? जिन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए वो दोनों तो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, घूम फिर रहे, एंजॉय कर रहे हैं वो तो। मुझे लगता है कि सोच समझ के कोई फैसला नहीं कर रहा। दिमाग खराब हो गया लड़के का। क्या प्लान्स थे उसके लिए, क्या क्या अरमान थे, क्या क्या सोचा था मैंने अपने बेटे के लिए, बर्बाद कर दिया। He's destroyed everything. ये हरकत करके ना अपनी जिंदगी खराब कर दी इस लड़के ने। क्या करूंगी मैं उसका? आप भी हद करते हैं हमजा। जैसे शादी ना हमने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आंटी तो ऐसे ही बातें कर रही थी, और आपको तो उनसे कुछ कहना चाहिए था, आपने हाँ में हाँ मिला दी। तुम्हें क्या लगता मैंने कुछ नहीं कहा होगा उन्हें? अलग, वो इस घर की बड़ी है और उनकी मर्जी के बगैर शादी की है हमने, तो बस नाराज है हमसे। यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यही तो मसला है उन्हें। वो तो पहले ही शादी से राजी नहीं थी, बल्कि वो तो चाहती है किसी तरह ये शादी खत्म हो जाए और वो आपकी शादी दवाल आप ही से करवा दे। मैंने आपसे कोई फरमाइश नहीं की, बस इतना ही चाहती हूँ ना कि पब्लिकली हमारी शादी को अनाउंस कर दे। मैं अपना हक मांग रही हूँ, क्या गलत कह रही हूँ? मामा नहीं मान रही ना, मैं घर में दावत रख लूँ, कोई तमाशा लग जाए फिर। मेहमानों के सामने कोई बात हो गई ना तो सबकी बेइज्जती होगी। इस मामले को ठंडा होने दो मामा, हमें कबूल कर लें फिर कर लेंगे कोई प्लान। तब तक इस प्लान को ना पोस्टपोन ही रखो। हाँ तो क्या आपकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है? अगर आंटी चाहेंगी कि आप मुझे छोड़ दें तो आप तलाक दे देंगे मुझे? कैसी बातें कर रही हो तुम, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपको बता नहीं सकती कि पहले भी मैंने क्या अजाब जिंदगी गुजारी है, कबीर ने क्या कुछ नहीं किया था मेरे साथ। कभी खुशी नहीं मिली मुझे उस घर में, कभी खुश नहीं थी मैं। और आज जब मैं खुश हूं, मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूं, तो इसमें क्या इतराज है? उस घर में पहले आलिया भाभी हर बात उनकी मर्जी से की जाती थी, मेरी बात की कोई अहमियत ही नहीं थी। यही सब तो झेला है मैंने, हमेशा मुझे जलील किया जाता है। और अब यहाँ पर आंटी बात बात पर मुझे जलील करती है, मतलब मेरी बात की कोई अहमियत नहीं। ठीक है, वो चाहती है ना कि आप कैंसिल कर दे रिसेप्शन, तो आप कर दे, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। इसमें इतना मायूस होने वाली कौन सी बात है फिर? क्यों नहीं है हमजा? मुझे लगता था आप कबीर से अलग हैं, गलत को गलत और सही को सही कहेंगे, चाहे फिर वो घर वाला हो या बाहर वाला हो, सबकी अहमियत अलग होगी, सबको उनके इख्तियारात दिए जाएंगे, वो बात कर सकते हैं, अपनी बात आगे रख सकते हैं। लेकिन मैं गलत थी। अम्मा को घर में वलीमा करने से एतराज है, मैं काम करता हूँ कि अच्छा सा वेन्यू बुक कर ले, फिर आई थिंक उन्हें कोई इतराज़ ना।